हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। और मैं कुमार बिने एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ जस्ट नॉलेज चैनल पर। दोस्तों, आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ये हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा यह बहुत ही रोचक भी है। बचपन में आप लोगों ने एक कविता सुनी होगी, नर्सरी क्लास में जब हम लोग पढ़ते थे तो वहाँ पर एक कविता हम लोग अक्सर पढ़े ही होंगे, ज़्यादातर लोग पढ़े होंगे, कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। तो इस कविता में हमें तारों के बारे में बताया गया है। बचपन में जब कभी हम खुले आसमान के नीचे बैठते थे या लेटते थे, तो उस समय अगर हम अपने आकाश की तरफ देखते थे तो आकाश की जो उस समय संरचना होती है वो हमें बहुत ही ज्यादा आकर्षित करती है। मीन्स वहां पर बहुत ढेर सारे तारे हमें दिखाई देते हैं, कुछ ज्यादा चमकते हैं, कुछ कम चमकते हैं, और उन तारों के समूह को देखकर या उस समय के आकाश को देखकर हमारे मन में बहुत सारे ख्याल उठते हैं। जैसे कि आकाश में कितने तारे हैं, ये तारे कैसे बने हैं, या कोई इन आकाश के अंत तक पहुंच पाया है, या जहां पे इस आकाश का अंत हुआ है उसके बाद में कौन सी संरचना है। तो इस तरह के बहुत सारे सवाल उठते हैं। फिर और कुछ तरह के सवाल हो गए कि ये तारे जो हैं ये टिमटिमाते कैसे हैं। उसके अलावा कुछ तारे हमें ज्यादा चमकते हुए दिखाई देते हैं, कुछ कम चमकते हुए दिखाई देते हैं। तो इन सब के बारे में मन में हमेशा से ही सवाल रहा है कि आखिर में ये संरचना कैसे होती है, क्यों ऐसा होता है कि तारे कम चमकते हैं, ज्यादा चमकते हैं, या इन्हें ऊर्जा कहाँ से मिलती है, एनर्जी कहाँ से मिलती है। तो आज का यह वीडियो बेसिकली इसी सब पे डिपेंड होगा। हम लोग ब्रह्मांड के बारे में जानेंगे, तारों के बारे में जानेंगे, बिग बैंग थ्योरी क्या है, उसके अलावा तारों के जन्म कैसे हुआ, तारों की मृत्यु कैसे हुई, और फिर हमारे जो एक भौतिकविद थे सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, उन्होंने तारों के संबंध में क्या बताया। उसी के लिए उन्हें 1983 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को। तो उन्होंने तारों के जन्म मृत्यु के संबंध में क्या बताया है, इन सब के बारे में हम लोग बहुत ही डिटेल में अध्ययन करेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं, और हम लोग पहले जानते हैं कि आखिर में ब्रह्मांड क्या है और इसकी उत्पत्ति के संबंध में क्या क्या संकल्पनाएं दी गई हैं। दोस्तों, जब हमारे मनुष्य के दिमाग में पूरे विश्व का क्रमबद्ध रूप में एक चित्र उभरा, मीन्स जब कभी हमारे मानव ने या हम लोगों के पूर्वजों ने पूरे विश्व के बारे में सोचा, तो उनके दिमाग में जो एक चित्र आया उसका नाम उन्होंने ब्रह्मांड दे दिया। अब ब्रह्मांड क्या है, जब इसका नाम लोगों के दिमाग में आया तो उन्हें इसके बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि आखिर में ब्रह्मांड है क्या। तो उसी समय एक मिस्र के खगोल शास्त्री थे जिनका नाम था क्लाडियस टालमी। क्लाडियस टालमी ने एक अवधारणा का प्रतिपादन किया जिसका नाम दिया गया जियोसेंट्रिक अवधारणा। इसके अनुसार इन्होंने बताया कि जो ब्रह्मांड है, मान लीजिए ये संपूर्ण ब्रह्मांड है, तो इन्होंने बताया कि पृथ्वी हमारे ब्रह्मांड के केंद्र में है और जो सूर्य है उसके अलावा अन्य ग्रह हैं वो इसकी परिक्रमा करते हैं। ये इन्होंने बताया ब्रह्मांड के संबंध में, मीन्स इन्होंने बताया, क्लाडियस टालमी ने इन्होंने बताया था 143 ईस्वी, मीन्स बहुत ही पहले इसके बारे में इन्होंने बताया था कि ब्रह्मांड के केंद्र में हमारी पृथ्वी है, सूर्य और अन्य ग्रह इसके चारों तरफ परिक्रमा करते हैं। तो क्लाडियस टालमी ने जो बताया ये काफी समय तक मान्य रहा, मीन्स जब तक कोई नई खोज नहीं होगी, कोई नया इसके बारे में नहीं पता करेगा, तब तक जो चीजें बताई गई हैं उसी को हमें मानना होता है या हम लोग मानते हैं। तो फिर 1543 ईस्वी में कॉपरनिकस नाम के एक खगोल शास्त्री ने फिर से हमारे ब्रह्मांड का अध्ययन किया और इन्होंने एक अवधारणा दी जिसका नाम है हेलियोसेंट्रिक अवधारणा। हेलियोसेंट्रिक अवधारणा में कॉपरनिकस ने यह बताया कि ब्रह्मांड का जो केंद्र है, मीन ब्रह्मांड के केंद्र में यहां पर पृथ्वी नहीं है, यहां पर क्या है, सूर्य है, और सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी और अन्य ग्रह चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक, यह बताया कॉपरनिकस ने। कॉपरनिकस में 1543 में खोज के बाद में ब्रह्मांड के अध्ययन में एक समझ लीजिए कि क्रांतिकारी परिवर्तन जैसा हो गया, मीन बहुत सारे वैज्ञानिक आगे आए जिन्होंने ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाने का प्रयास किया और ब्रह्मांड के बारे में लोगों को बताने का प्रयास किया कि आखिर में ब्रह्मांड में है क्या, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई,
इस बारे में बहुत सारी खोज होती रही। अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर में ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। देखिए, पहले हम लोगों ने जाना कि आखिर में ब्रह्मांड है क्या, जो अभी तक बताया गया था। अभी हम लोग उस ब्रह्मांड पर नहीं पहुंचे हैं जो वास्तव में है। ठीक, ये जो हमारे पूर्वजों ने या हमारे पुराने खगोल शास्त्रियों ने जो बताया था वो अभी हमने जाना। अब हम लोग समझते हैं कि आखिर में ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, जिनमें जो सबसे ज्यादा मान्य सिद्धांत है वो है बिग बैंग थ्योरी या बिग बैंग सिद्धांत। आप लोगों ने हनी सिंह का नाम तो सुना ही होगा, अगर आप लोग इंडिया के हैं, बाहर के भी तब भी सुना होगा। हनी सिंह का एक गाना आया था धीरे धीरे से, उसमें एक लाइन थी कि तेरी मेरी स्टोरी जैसे बिग बैंग थ्योरी। मुझे तो आज तक नहीं समझ में आया कि तुम्हारी और मेरी स्टोरी बिग बैंग थ्योरी की जैसे कैसे है। तो आप लोग भी अभी बिग बैंग थ्योरी को समझिएगा, फिर रिलेट करने का प्रयास कीजिएगा कि क्या बिग बैंग थ्योरी से रिलेटेड ऐसा कोई स्टोरी हो सकती है। तो आइए चलिए हम लोग जानते हैं कि आखिर में बिग बैंग थ्योरी में क्या बताया गया है पृथ्वी की, सॉरी, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में। जॉर्ज लैमेंडर, जो कि बेल्जियम के एक खगोल शास्त्री थे और ये पादरी भी थे बेल्जियम के, इन्होंने 1960 और 1970 के दशक में बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जो कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में सबसे मान्य सिद्धांत है। जॉर्ज लैमेंडर ने यह बताया कि आज से 15 अरब वर्ष पहले, कब, आज से 15 अरब वर्ष पहले जो ब्रह्मांड में एक विशालकाय अग्निपिंड था, मींस एक विशालकाय अग्निपिंड था जिसका आयतन तो बहुत ही कम था। मींस यहाँ पर एक पिंड था विशालकाय अग्नि का, इसका आयतन जो था वो बहुत कम था, लेकिन इसका तापमान और इसका घनत्व ये काफी ज्यादा था। अब जाहिर सी बात है कि अगर कोई पिंड होगा उसका आयतन कम होगा तो द्रव्यमान घनत्व ज्यादा होगा, तो द्रव्यमान भी ज्यादा ही होगा। सॉरी, अगर उसका उसका आयतन आयतन कम हुआ और घनत्व ज्यादा, द्रव्यमान भी ज्यादा हुआ, तो इससे जाहिर होता है कि उसका जो घनत्व है वो भी ज्यादा होगा। ठीक, तो इन्होंने बेसिकली ये बताया कि 15 आज से 15 अरब वर्ष पहले एक विशालकाय अग्नि का पिंड था जिसका जो निर्माण हुआ था वो भारी पदार्थों से हुआ था। उसके बाद में क्या हुआ कि ये जो पिंड था इसमें एक भयंकर विस्फोट हुआ। ठीक, इस विस्फोट के परिणाम स्वरूप, मान लीजिए ये हमारा पिंड था और इसमें जब विस्फोट हुआ तो इसके परिणाम स्वरूप ये पूरा, इसके जो पार्ट हैं ये छिटक के एक दूसरे से इस तरह से दूर दूर होते चले गए और इस तरह से निर्माण हुआ हमारे ब्रह्मांड में आकाश गंगाओं का। आकाश गंगा क्या है अभी हम लोग आगे समझेंगे। फिर उसके बाद में इन आकाश गंगाओं में जब विस्फोट हुआ तो इसके परिणाम स्वरूप निर्माण हुआ तारों का, और ग्रहों का। मीन्स बिग बैंग सिद्धांत में यही बताया गया है कि आज से 15 अरब वर्ष पहले हमारी जो ब्रह्मांड है उसमें केवल एक ही पिंड था, अग्निपिंड था, जो एक बिंदु के रूप में, मीन्स एक बहुत ही छोटा सा सघन पिंड था जिसका द्रव्यमान बहुत ज्यादा था, तापमान बहुत ज्यादा था, लेकिन उसका आयतन बहुत कम था। और इस पिंड में एक विस्फोट हुआ जिसके परिणाम स्वरूप हमारे ब्रह्मांड में ब्रह्मांडीय पिंडों का निर्माण हुआ। फिर धीरे धीरे इसके आकार आकार में वृद्धि हुई और इस तरह से आकाश गंगा और तारों का निर्माण हुआ। इनकी तारों की, सॉरी, ब्रह्मांड के संबंध में एक और अवधारणा बताई जाती है कि जो हमारा ब्रह्मांड है वो निरंतर फैल रहा है। मीन्स आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही हैं। कैसे, इसको आप लोग एक एग्जाम्पल के द्वारा भी समझ सकते हैं या अपने घर पे भी पढ़ सकते हैं इसके बारे में। मान लीजिए आपके पास एक इस तरह से गुब्बारा है, ठीक, अभी आपने इसको फुलाया हुआ नहीं है, इस पर आप क्या कीजिए कि इस पर आप छोटे छोटे मार्क कर दीजिए। ठीक, इस तरह से छोटे छोटे इस पर मार्क बना दीजिए। उसके बाद में इस गुब्बारे को आप लोग फुलाते जाइए, तो जब आप फुलाते हुए जाएंगे इस गुब्बारे को तो ये इस तरह से इसका शेप जो है वो और बड़ा हो जाएगा।
तो जब इसका शेप बढ़ जाएगा तो आप लोग देखेंगे कि जो पॉइंट आपने इस तरह से नजदीक बनाए हुए थे इस तरीके से, ये अब और दूर जाने लगेंगे। और जिस तरह से आप इस गुब्बारे को और फुलाते हुए जाएंगे, इसके जो यहाँ पर डॉट है ये इसी तरीके से एक दूसरे से दूर जाते रहेंगे। बेसिकली बिग बैंग थ्योरी में भी यही बताया गया है, और इस थ्योरी में यह भी बताया गया कि जो हमारे ब्रह्मांड का विस्तार हुआ है वो जब बिग बैंग विस्फोट हुआ था, बिग बैंग थ्योरी के अनुसार मीन्स जो महाविस्फोट हुआ था उस समय जो हमारे ब्रह्मांड का विस्तार हुआ था वो प्रारंभ में तो बहुत ही तीव्र गति से हुआ था, लेकिन बाद में हमारे जो ब्रह्मांड का विस्तार है वो धीमे धीमे होने लगा। बिग बैंग सिद्धांत में यह भी बताया गया कि जब ये महाविस्फोट हुआ था उसी समय पहले परमाणु का भी निर्माण हुआ था। परमाणु के बारे में आप लोग पढ़े ही होंगे कि बिग बैंग जब विस्फोट हुआ था उसी समय पहले, उसके पहले 3 मिनट मीन्स उसके पहले 3 मिनट में ही पहले परमाणु का निर्माण हुआ था। तो ये तो आप लोग अब जान ही गए होंगे कि आखिर में बिग बैंग सिद्धांत में क्या बताया गया है। इसके अलावा पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में और भी वैज्ञानिकों ने अपने अपने सिद्धांत दिए, जैसे साम्यावस्था सिद्धांत दिया गया थॉमस गोल्ड और हरमन बाड़ी के द्वारा। उसके अलावा डॉक्टर एलन संडेज थे, उन्होंने दोलन सिद्धांत भी दिया, लेकिन इन सभी सिद्धांतों को एक्सेप्ट नहीं किया गया है, इनको स्वीकार नहीं किया गया है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में जो सबसे अधिक मान्य सिद्धांत है वो यही है, बिग बैंग सिद्धांत। ठीक, तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा कि ब्रह्मांड के संबंध में कौन कौन सी अवधारणाएं दी गई, उसके अलावा ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में क्या बताया गया है। अब चलिए हम एक और बात की चर्चा करते हैं जिसका नाम है लार्ज हेड्रान कोलाइडर। आप लोगों ने इसके बारे में भी हो सकता है सुना ही हो। यूरोप की एक न्यूक्लियर रिसर्च एजेंसी है जिसका नाम है सर्न। क्या नाम है इसका? सर्न। ये यूरोप की एक न्यूक्लियर रिसर्च एजेंसी है। इस एजेंसी ने 30 मार्च 2010 में स्विट्जरलैंड के जिनेवा में एक महाप्रयोग को प्रारंभ किया था। इस प्रयोग का मुख्य उद्देश्य यही था कि इसमें बिग बैंग जैसे विस्फोट के जरिए पृथ्वी की ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में और अच्छे से अध्ययन किया जा सके। ठीक, तो इस प्रयोग का मुख्य उद्देश्य यही था कि इसके जरिए ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाने में और मदद मिले। इसी के लिए लगभग 1,000 वैज्ञानिकों की टीम ने जिनेवा के स्विट्जरलैंड के जिनेवा में पृथ्वी से 100 फीट नीचे और 27 किलोमीटर लंबी सुरंग मीन्स 100 फीट ये लोग नीचे गए। उसके बाद में 27 किलोमीटर एक लंबी सुरंग का निर्माण किया गया और उसी के अंदर इस प्रयोग को किया गया। आप लोगों के मन में ये सवाल हो सकता है उठे कि आखिर में क्यों पृथ्वी के इतना नीचे इस प्रयोग को किया गया, क्योंकि इस प्रयोग में प्रोटॉन बीम का इस्तेमाल किया गया था। प्रोटॉन बीम एक बहुत ही शक्तिशाली किरणें होती हैं जिसको अगर पृथ्वी की सतह के ऊपर किया जाएगा तो ये हमारे वायुमंडल में फैल सकती हैं और ये बहुत ही हानिकारक होती हैं हमारे मानव के लिए या पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतुओं के लिए। इसीलिए इस प्रयोग को पृथ्वी के अंदर ही किया गया। तो इस प्रयोग को ही नाम दिया गया लार्ज हेड्रान कोलाइडर। ध्यान रखिएगा कि ये जो प्रयोग है ये 30 मार्च 2010 को स्विट्जरलैंड के जिनेवा में प्रारंभ किया गया और इसका प्रारंभ किया यूरोपियन रिसर्च एजेंसी जिसका नाम है सर्न। सर्न के द्वारा इस प्रयोग को प्रारंभ किया गया। इस प्रयोग में किया क्या गया है कि यहाँ पर प्रोटॉन बीम के बारे में आप लोग हो सकता है जानते हो, अगर आप लोग साइंस बैकग्राउंड से होंगे तो यहाँ पर प्रोटॉन बीमों को लगभग प्रकाश की ही गति से टकराया गया और वहां पे ये प्रयास किया गया कि एक और हमारा एलिमेंट होता है जिसका नाम है हिग्स बोसान, और कोशिश की गई कि इस एलिमेंट को निर्माण किया जा सके, क्योंकि ये माना जाता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति में जो हमारी अभी भी रहस्य हैं या अनसुलझी अवधारणाएं हैं इनके बारे में हम तभी जान पाएंगे जब हिग्स बोसान का हम लोग अध्ययन करेंगे।
ये माना जाता है हिग्स बोसान को गॉड पार्टिकल भी कहा जाता है, इसे हम लोग गॉड पार्टिकल भी कहते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में रहस्य हैं या जो अभी भी अनसुलझे हुए तथ्य हैं हमारे ब्रह्मांड के संबंध में, इसके बारे में हम इसी के जरिए, हिग्स बोसान के जरिए ही पता कर पाएंगे। तो हालांकि ये प्रयोग अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, जब ये प्रयोग कंप्लीट होगा तो उसके बाद हमें ब्रह्मांड के संबंध में और बहुत सारे रहस्यों के बारे में पता चलेगा। तो चलिए अब हम लोग ब्रह्मांड के बारे में थोड़ा और अच्छे से, थोड़ा और डिटेल में पहुंचते हैं कि आखिर में ब्रह्मांड के में आकाश गंगाएं कैसे हैं और कौन कौन से तारामंडल या इनका निर्माण होता है। तो अब आप लोग इस फिगर पर फोकस करिए, इस चित्र पर अपना ध्यान केंद्रित करिए, जिससे मैं आपको और अच्छे तरीके से समझा सकूं कि आखिर में ब्रह्मांड क्या है। मैंने आपको अभी बताया कि जब मानव के दिमाग में संपूर्ण विश्व का एक क्रमबद्ध रूप आया था, मीन्स एक चित्र उसने सोचा संपूर्ण विश्व के बारे में, तो उसी को उसने नाम दिया था ब्रह्मांड। तो ये जो आप जियोइड शेप देख रहे हैं, अंडाकार एक संरचना देख रहे हैं, ये मान के चलिए कि ये आपका ब्रह्मांड है। हालांकि हम यह नहीं कह सकते कि इसका शेप कैसा है, इसका आकार कैसा है, लेकिन इस संरचना को देख के आप ये मान के चलिए कि ये ब्रह्मांड है। तो ये माना जाता है कि ब्रह्मांड में एक अनुमान के मुताबिक लगभग 100 अरब तारे पाए जाते हैं। मीन्स हमारे जो ब्रह्मांड है उसमें लगभग 100 अरब तारे, सॉरी सॉरी सॉरी, 100 अरब आकाश गंगाएं पाई जाती हैं। ठीक, 100 अरब आकाश गंगा पाई जाती है एक ब्रह्मांड में। उसके अलावा एक आकाश गंगा में पाया जाता है 100 अरब तारे। ठीक, मीन्स एक पूरे ब्रह्मांड में 100 अरब आकाश गंगाएं होती हैं, और उसके अलावा एक आकाश गंगा में 100 अरब तारे होते हैं। तो आप लोग यकीन, आप लोग सोच सकते हैं कि हमारे पूरे ब्रह्मांड में कितने तारे हो सकते हैं। 100 अरब आकाश गंगा ही अगर देखा जाए तो बहुत ही बड़ी संख्या होती है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर में आकाश गंगा क्या होती है। तो आकाश गंगा के बारे में थोड़ा सा समझते हैं कि आखिर में आकाश गंगा क्या होती है। मान लीजिए यहां पर कोई बिंदु है जिसके चारों तरफ विशाल तारों का समूह जो है वो परिक्रमा करता है, मीन्स वो भ्रमण करता है, और जब आप इस बिंदु के समीप रहेंगे, इसके पास रहेंगे, तो यहाँ पर जो तारों की संख्या है वो काफी ज्यादा होगी। मीन्स इस तरह से यहाँ पर तारों की संख्या ज्यादा होगी, और जैसे जैसे हम इस बिंदु से दूर मूव करते हुए जाएंगे, मीन्स इससे दूर पहुंचते हुए जाएंगे, तो तारों की जो संख्या है वो घटती हुई जाएगी इस तरीके से। ठीक, एक बात ध्यान रखिएगा कि ये कोई जरूरी नहीं है कि जो आकाश गंगाएं होती है उन सभी का आकार इसी तरीके से होता है, उन सभी का आकार स्पाइरल शेप या सर्पिलकार संरचना में भी ही होता है। एक हमारी आकाश गंगा है जिसका नाम है लिमन अल्फा ब्लाब्स। ठीक, इसका नाम है लिमन अल्फा ब्लाब्स। ये जो हमारी आकाश गंगा है, ये इसका आकार जो है वो अमीबा की तरह है। अमीबा मतलब आप लोग जानते होंगे इस तरह से चप्पल के शेप की एक संरचना होती है, इसे हम लोग अमीबा कहते हैं। तो ये बिल्कुल नहीं मान सकते हैं कि हर आकाश गंगा का जो शेप है, जो उसका आकार है वो स्पाइरल है या सर्पिलाकार है। मीन्स आकाश गंगाओं के जो आकार है वो किसी भी प्रकार का हो सकता है, मीन्स स्पाइरल हो सकता है, अमीबा के आकार का हो सकता है, या किसी अन्य प्रकार का होता है। तो इस पे हम लोगों को बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना है, हम लोगों ने ये जाना कि ब्रह्मांड में कुल मिलाकर 100 अरब आकाश गंगाएं हैं और एक आकाश गंगा में 100 अरब तारे होते हैं। ठीक, तो ये हमारा पूरा ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड के अंदर ही 100 अरब आकाश गंगाएं हैं ऐसा माना जाता है। मीन्स एक अनुमान के मुताबिक ये माना जाता है, ये कंफर्म नहीं है कि कितनी आकाश गंगाएं हैं या कितने तारे होते हैं। तो अब बात करते हैं हम लोग अपने आकाश गंगा की, मीन्स जिस आकाश गंगा में हम लोग रहते हैं। जिस आकाश गंगा में हम लोग रहते हैं उसको नाम दिया जाता है मंदाकिनी। ठीक, उसका नाम है मंदाकिनी, हमारी आकाश गंगा का नाम है मंदाकिनी। मैंने आपको बताया
कि प्रत्येक आकाशगंगा एक के जो तारे होते हैं वो एक केंद्रीय बिंदु के चारों तरफ मूव करते हैं, और इसी बिंदु को नाम दिया जाता है केंद्रीय बल। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा गया है इसके बारे में, केंद्रीय बल। तो बल्ज वही होता, मीन्स बल्ज वह बिंदु होती है जिसके चारों तरफ किसी आकाशगंगा के तारे परिक्रमा करते हैं। मीन्स यहाँ पर ये केंद्रीय बल्ज हुआ, इसके चारों तरफ इस तरह से तारे मूव कर रहे हैं। जब हम लोगों ने जियोसेंट्रिक अवधारणा, जिसके बारे में क्लाडियस टॉलमी ने बताया था, तो उन्होंने क्या बताया था, जियोसेंट्रिक अवधारणा में उन्होंने यही बताया था कि ब्रह्मांड के केंद्र में हमारी पृथ्वी है और उसके चारों तरफ तारे ग्रह और सूर्य परिक्रमा कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं था, इस केंद्रीय बल के ही चारों तरफ इस तरह से मूव कर रहे हैं। तो हमारी आकाशगंगा का नाम है मंदाकिनी। उसके अलावा एक केंद्रीय बल होता है जिसके चारों तरफ, एक केंद्रीय बिंदु के चारों तरफ तारे मूव करते हैं, और उस केंद्रीय बिंदु को नाम दिया जाता है बल्ज। ठीक, ध्यान रखिएगा। फिर सवाल ये उठता है कि आखिर में हमारे आकाशगंगा की दूरी कितनी है, मीन्स अगर इसके एक सिरे से दूसरे सिरे की लंबाई को मीजर किया जाए तो ये कितना होगा। ध्यान रखिएगा, तो एक बात यहाँ पर और ध्यान दीजिए कि जो आकाशगंगाएं होती हैं या तारे होते हैं या ग्रह होते हैं, उनके बीच की दूरी हम लोग मीटर, सेंटीमीटर या किलोमीटर में नहीं मीजर कर सकते हैं, क्योंकि इनके बीच की जो दूरी होती है बहुत ज्यादा होती है। तो इसीलिए इनको मेजर करने के लिए एक पैमाना माना गया है, और उस पैमाने का नाम है प्रकाश वर्ष। ठीक है, तो आखिर में प्रकाश वर्ष होता क्या है? आप लोग जानते होंगे कि जो प्रकाश होता है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की गति से ट्रेवल करता है। मीन्स 1 सेकेंड में जो प्रकाश होता है वो 3 लाख मीटर पर सेकंड की गति से वो दूरी किसी दूरी को तय करता है। अब प्रकाश एक वर्ष में कितनी दूरी तय करेगा, मीन्स अगर 1 सेकंड में ये इतनी दूरी तय कर रहा है, तो एक वर्ष में या एक साल में या एक ईयर में ये कितनी दूरी तय करेगा, इसी को हम लोग नाम देते हैं प्रकाश वर्ष। ठीक, तो प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, एक प्रकाश वर्ष इक्वल टू 9.46 × 10⁻¹² किलोमीटर। अरे किलोमीटर, और अगर इसे मीटर में करेंगे तो 10⁵15 हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ सकता है आपसे कि ये प्रकाश वर्ष में कितने मीटर होते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया कि एक प्रकाश वर्ष में 9.46 × 10⁻¹² किलोमीटर होता है। एक बात और ध्यान रखिए कि प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का मात्रक होता है। कभी कभी लोग प्रकाश की वजह से या अन्य वजह से इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। एग्जाम में एक बार पूछा गया था कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है, दूरी का या फिर समय का या फिर चमकने का। तो वहाँ पे बहुत से लोग थे जिन्होंने सोचा कि प्रकाश मीन्स, जिनको नहीं पढ़े होंगे, जिनको इसके बारे में नहीं आइडिया होगा, वो लोग प्रकाश देखेंगे और चमकीला देखेंगे, तो उन्हें क्या लगेगा कि प्रकाश और चमकीला एक जैसे हैं, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि प्रकाश जो है वो चमकीले का ही मात्रक हो। तो ध्यान रखिएगा कि एक प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का मात्रक होता है। दूरी को मापने का जो सबसे बड़ी इकाई होती है उसे हम लोग कहते हैं पारसेक। ये एक साइंटिस्ट थे, सॉरी, वो होता है पारसेक। तो पारसेक के बारे में थोड़ा सा मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा पारसेक के बारे में, क्यों इसका नाम पड़ा था पारसेक। तो एक पारसेक बराबर होता है 3.6 प्रकाश वर्ष। मीन्स दूरी मापने की जो सबसे बड़ी इकाई है वो है पारसेक, और एक पारसेक बराबर होता है 3.6 प्रकाश वर्ष। तो ये तो हुआ प्रकाश के बीच की दूरी। हमने जाना कि ब्रह्मांड एक बहुत ही विशाल संरचना है, और ब्रह्मांड में 100 अरब आकाश गंगाएं पाई जाती हैं, और एक आकाश गंगा में 100 अरब तारे होते हैं। हमारी जो आकाश गंगा है उसका नाम है मंदाकिनी।
इसकी जो रेडियस है वो है 50,000 प्रकाश वर्ष। और एक बात ध्यान रखिए कि हमारी जो मंदाकिनी है आकाश गंगा, उसमें हमारा सौर मंडल जो है वो यहाँ पर स्थित है, यहाँ कहीं पर, इस तरह से। मीन्स इस तरह से हो सकता है कि इस आकाश गंगा में और भी सौर मंडल हो, और भी बहुत सारे सूर्य हो, इस तरह से। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि सौर मंडल के बारे में हम लोग अगले भाग में पढ़ेंगे। और जो हमारे आकाश गंगा के सबसे निकट की आकाश गंगा है, मीन जो हमारे आकाश गंगा के सबसे निकट आकाश गंगा है, उसका नाम है एंड्रोमेडा। ठीक, एंड्रोमेडा जो है वो हमारे आकाश गंगा की सबसे निकट की आकाश गंगा है। और ऐसा माना जाता है कि इसकी दूरी जो है हमारे आकाश गंगा से वो लगभग 202.2 मिलियन प्रकाश वर्ष है। ठीक, 1 मिलियन मतलब आप लोग जानते हैं 10 लाख, तो मीन्स कह सकते हैं कि 22 लाख प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है जो दूसरी है, हमारी सबसे नजदीक की आकाश गंगा, जिसका नाम है एंड्रोमेडा। तो ये तो हुआ हम लोगों का प्रकाश, सॉरी, ब्रह्मांड मंदाकिनी के बारे में। एक बात और मैं आपको बताना भूल गया था कि जो मंदाकिनी होती है उनमें एक तो केंद्रीय बल्ज होता है, उसके अलावा तीन भुजाएं भी होती हैं। मीन्स तीन इनकी घूर्णनशील भुजाएं होती हैं जो मूव करती रहती हैं। तो उस भुजा के बारे में भी हम लोग, आप लोगों ने जब आकाश को देखा होगा तो उसमें आपको एक और संरचना, धुंधली सी संरचना दिखाई देती है। मीन्स ऐसे आप लोगों ने देखा होगा तारों का समूह रहता है पूरे आसमान में इस तरह से, वहां पे आपको एक हल्की से ऐसे कभी कभी धुंधली सी एक संरचना दिखाई देती है। हल्की सी मीन्स लगता है कि जैसे क्लाउड हो, लेकिन वो क्लाउड नहीं रहता है, वैसी एक संरचना कभी कभी आपको आसमान में दिखाई देती है जब आप लोग कभी कभी ध्यान देते होंगे। ये बेसिकली माना जाता है कि हमारी आकाश गंगा का वही घूमने वाला हाथ है। मीन्स सभी आकाश गंगाओं में तीन भुजाएं होती हैं और ये ही हमारी आकाश गंगा का हाथ है जो घूमते घूमते कभी हम लोगों के पृथ्वी के इस तरह से सामने आता है कि वो हमें पृथ्वी से दिखाई देता है। ठीक, तो इस वीडियो में हम लोगों ने जाना आकाश गंगा के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में। अब इसके अगले पार्ट में हम लोग जानेंगे तारों के बारे में। ठीक, कि तारों का जन्म कैसे होती है, तारे मरते कैसे हैं, तारे चमकते क्यों हैं, इन सब के बारे में भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। आप लोगों से निवेदन है कि इन वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्योंकि ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग जीवन में अपार सफलता हासिल करें, इसी शुभकामनाओं के साथ आप सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।